कच्चे रास्ते से अंदर उतरना है। हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है। कितने का क्लास है भैया? अब आए मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे से ब्लॉग में। अब आए, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम एमपे एंड यू आर वॉचिंग टीवी। दोस्तों आज हम कैसे निकल चुके हैं ड्रीम थिएटर जीरो करके। आज हम कोई हिस्टोरिकल जगह पर नहीं जा रहे हैं, आज हम थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है। आज हम जा रहे हैं मानसून के लिए बेस्ट प्लेस जिसको बोला जाता है, जो अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक है। तो अहमदाबाद से निकले थे और दहगाम पहुँचे हैं, अभी हमारे डेस्टिनेशन कुछ और 40 किलोमीटर दूर है। चलिए देखते हैं, वेदर काफ़ी अच्छा वेदर है, एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों बाज। अभी हम जैसे आप थोड़ी देर पहले बोर्ड देखा, हम हमारी लोकेशन के काफ़ी करीब है, चलिए जाते हैं। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब है, हम काफ़ी एक्साइटेड है। हमको नहीं पता वहाँ पर जाके हमें क्या देखने मिलेगा, होगा नहीं होगा, चलिए देखते हैं आगे। तब तक आप रास्ते का मजा लीजिए। यहाँ से राइट साइड बनना है, चलिए। तो हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, हम ढाबा से राइट साइड बोले और अंदर काफ़ी सकड़ा रास्ता है, कुछ वन लाइन रोड है। और हमको झांझरी एक गांव के अंदर से होते हुए निकलना है, मेरे ख्याल से ये गांव का नाम ढाबा ही है। और आगे एक डायरेक्शन रोड मारा हुआ है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ काफ़ी विलेज टाइप वाइब है। झांझरी 5 किलोमीटर है, मतलब ढाबा से और अंदर 4 या 5 किलोमीटर्स अंदर जाना है हमको। और पर ऐसे सिंगल वे रोड है, यहाँ पर अभी काफ़ी मास आती है यहाँ से, जैसे अभी निकली हमारे। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा अपडेट है, हमको यहाँ से थोड़ा कच्चे रास्ते से अंदर उतरना है और फिर देखिए काफ़ी कच्चा रास्ता है। यहाँ से अंदर हम झांझरी की तरफ जाएंगे अंदर, और काफ़ी लोग सामने से आ भी रहे, फिर वो कच्चा रास्ता है तो हमको थोड़ा संभाल के निकलना पड़ेगा यहाँ से, देखिए। और हम अकेले ही ब्लॉग बनाने निकल पड़े हैं तो थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, सामने से गाड़ी आ रही है। ऐसा लग रहा था कि हम बाइक से यहाँ पर ऑफ रोडिंग करें। तो दोस्तों फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। हमारे पास बाइक है तो हम अंदर से जाएंगे, चलिए। थोड़ा कच्चा रास्ता है यहाँ पर, बट चलते हैं अंदर की तरफ। ओह, यहाँ पर काफ़ी ऑफ रोडिंग जैसा लग रहा है, बाकी यहाँ पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो चारों ओर। लोकेशन और रूट कुछ इस तरह से है, देखिए। और ये यहाँ का काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं आकर, और ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और रास्ता तो काफ़ी खरबचड़ा और ऑफ रोडिंग टाइप है, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर। तो कैसे हो आप लोग? फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है झांझरी वाटरफॉल। बट यहाँ पर अभी हम आए हैं, हमारे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है, चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर व्यू बताता हूँ, देखिए। यहाँ पर सनसेट होने वाला है और चारों बाजू पहाड़ी पहाड़ी, और पहाड़ी के बीच में से ये निकलती है वातरक नदी। और यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा झांझरी वाटरफॉल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों अभी हम ट्रेजरी की बात करने जाए तो हमारे साथ कुछ ऐसी ट्रेजरी हो गई है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट
एक या दो वीक के बाद आएगा, और हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गए तो हमें यहाँ पर केवल पानी देखने मिला, क्योंकि नदी है तो ऑलमोस्ट पानी तो है ही, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर हमको वाटरफॉल मतलब धोध नहीं देखने मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। और आपको भी मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो पूरी तरह से इंक्वायरी कर ले कि यहाँ पर हमें कब आना है कब नहीं आना है। हम यहाँ पर आ गए क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर बिपर जॉय जो साइक्लोन के वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, और अभी भी रिसेंटली 2 दिन पहले भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो हमें लगा यहाँ पर पानी होगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमने यहाँ पर इंक्वायरी की, हमें पता चला कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गए हो, कुछ एक या दो वीक पहले ही आ गए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप 2 वीक नहीं, मैं बोलता हूँ 3 वीक या आफ्टर अ मंथ, मतलब जुलाई या अगस्त में आ सकते हो, सबसे बेस्ट टाइम है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये। हम ट्राई करेंगे कि हम ये पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगा, बारिश होगी, तब हम यहाँ पर स्पेशल झरने को देखने आएगा, इधर वाटरफॉल को देखने आएंगे। और अभी यहाँ पर काफ़ी एक ट्रेजरी वाली बात है कि हम यहाँ पर ठीक से ब्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे, हम जो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो सकी है। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहाँ से हमें पता नहीं एक्चुअली में अब आगे कहाँ जाएंगे, अपन सोच रहे कि एक और कोई प्लेस ढूंढ के वहाँ पर आज की वीडियो कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे, और मैं आपको यहाँ का थोड़े कुछ वीडियो में सीन्स बता दूंगा, वीडियो में कुछ क्लिप बता दूंगा कि यहाँ पर क्या है, कैसा व्यू है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, लेट्स गो। और दोस्तों यहाँ पर लोकेशन की देखी जाए तो ये लोकेशन अहमदाबाद से कुछ 70 किलोमीटर दूर है, और देगाम से कुछ 40 किलोमीटर दूर है, और अगर आप कपड़वन से आते हो तो कपड़वन से 20 या 22 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये प्लेस अगर आप मानसून में आते हो तो काफ़ी बेस्ट प्लेस है, हम भी ट्राई करेंगे कभी, बस मानसून भी स्टार्ट होने वाला ही है, एटमोसफियर तो अभी लगभग ऐसा हो ही गया है, मानसून स्टार्ट होने वाला है तो हम मानसून के 2 वीक के बाद आएगा हम, जिससे हम यहाँ पर आने के बाद हमको वापस खाली हाथ में जाना पड़े। आप देख सकते हो, अगर लोकेशन के देखा जाए तो ये मानसून का बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप फैमिली को लेके आ सकते हो, बट यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा कच्चा रास्ता है, ऑफ रोडिंग टाइप का रास्ता है, तो अगर आप 4 व्हील या बाइक लेके आते हो तो आपको यहाँ पर संभल के। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी हम ये हाईवे से आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बाइक रखी हुई है, ये रिया बाइक, और यहाँ से हमको आगे की तरफ जाना है देगाम, देगाम से जाएंगे अहमदाबाद, यहाँ के पास शेडी का रस पीने के लिए रुके हुए हैं। अभी यार कितने का ग्लास है? 20 रुपये का ग्लास है। अच्छा है, चलो सफ़र में ठंडा सा शेडी का रस एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर की तरफ और ऑलमोस्ट हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12 या 1 बजने आए। ये था हमारा आज का पूरे दिन का एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट टाइम हम श्योर से जांजरी वाटरफॉल को फिर से एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो आज के पूरे दिन में, आज के जो पूरा संडे का हमारा एक्सपीरियंस हुआ, 220 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया है और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, तो श्योर से लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब। और अगर कुछ सजेशन देना हो, कोई प्लेस सजेशन देना हो कि भाई आप ये प्लेस जाके एक्सप्लोर करो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय।